दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। आज के वीडियो में मैं आपसे किशोरदा के बारे में बातें नहीं करूंगा, बल्कि आज कुछ पर्सनल बातें होंगी। मेरे वीडियोस देखकर आपके मन में ये क्यूरियासिटी ज़रूर होती होगी कि मैं ये सारे वीडियोस कैसे और कहाँ रिकॉर्ड करता हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको अपने छोटे से स्टूडियो की सैर कराऊंगा, मेरे घर के फर्स्ट फ्लोर के एक रूम में। यूट्यूब वीडियोस को शूट करने और एडिट करने के लिए मैंने एक छोटा सा सेटअप बना रखा है। सबसे पहले देखिए, मैंने और मेरी वाइफ ने इसी रूम में ही एक छोटा सा मंदिर बना रखा है। और यहाँ पूजा करने के बाद ही मेरे काम की शुरुआत होती है। रूम के एक वॉल पर मैंने क्रोमा कर्टेन लगा रखा है। जब मैं इसके सामने बैठकर अपने वीडियो शूट करता हूँ तो मैं अपनी इच्छा अनुसार अपने वीडियोस में बैकग्राउंड को चेंज कर सकता हूँ। रूम के ही दूसरी वॉल पर मैंने वॉलपेपर लगवाया है। और इसके सामने भी मैं अपने वीडियोस को शूट करता हूं, लेकिन इसमें बैकग्राउंड को चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहता। रूम के सीलिंग में भी लाइट लगी है। ट्यूबलाइट भी लगी है और ट्यूबलाइट के नीचे ही मैंने एक 30 वाट का LED हैलोजन लगा रखा है, जिसकी लाइट को सीलिंग से बाउंस कराता हूं ताकि फेस पर हार्श लाइट न पड़े। वीडियो शूट करते वक्त मेरे लेफ्ट और राइट में दो स्टैंड्स लगे होते हैं। जिन पर अम्ब्रेला लगे हुए हैं, इन अम्ब्रेला के अंदर भी 9-9 वाट के LED बल्ब्स लगे हुए हैं। बल्ब की लाइट अम्ब्रेला से पास होकर फेस पर पड़ती है तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। ये है मेरी टेबल और चेयर जिस पर बैठकर मैं अपने वीडियो को शूट करता हूँ। अब आते हैं कैमरे पर जिससे मैं अपने वीडियोज़ को शूट करता हूँ। तो ये है सोनी का ZV-E10 4K कैमरा। देखने में तो ये छोटा सा है, लेकिन इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए फ़िलहाल अभी मैं बोया कंपनी का BY-M1 वायर्ड कॉलर माइक का ही यूज़ करता हूँ, जिसका माइक मैं अपनी शर्ट में पिन कर लेता हूँ। और दूसरा 3.5mm पिन के जैक को कैमरे में लगा देता हूँ। अब आते हैं पोस्ट प्रोडक्शन यानी एडिटिंग पर। तो रूम के इस तरफ i7 सिस्टम लगा रखा है। जिसमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैं अपने वीडियोस को एडिट करता हूं।
और फोटोशॉप पर वीडियो के थंबनेल बनाकर इंटरनेट से उस वीडियो को आप सबकी खिदमत में पोस्ट कर देता हूँ। तो यही है मेरा छोटा सा स्टूडियो सेटअप जो मैंने आज आप सबसे शेयर किया है। मेरे पास जो भी सामान है उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो उस लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आपको अगर मेरा ये स्टूडियो सेटअप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किशोरदा के किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।